श्रोतेहो नमस्कार आजच्या कोरोना विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत आजच्या कोरोना मध्ये आपण देशातल्या कोरोना परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी काल देशाला केलेलं संबोधन आणि त्यातल्या ठळक मुद्द्यांचा विचार करणार आहोत श्रोतेहो देशातल्या कोरोना स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून भाषण केलं यावेळी त्यांनी देशातली स्थिती लसीकरण मोहीम आणि अन्य उपाययोजनांबाबत भाष्य केलं देश कोरोनाविरुद्ध मोठी लढाई लढत आहे आह अखेर परिस्थितीत सुधारणा होत असल्याचं चित्र दिसत होतं दुसरी लाट मोठी असून सरकार तिचा सामना समर्थपणे करत आहे आव्हान मोठं असलं तरी निर्धार धाडस आणि संयमानं आपण या आव्हानाचा सामना केला पाहिजे असं म्हणाले देशात कोरोना वेगानं फैलावत असून नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घ्यावी निर्बंधनांचा पालन कराव असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले कोरोनाच्या दुसरा लाटेमुळे देशात उद्बोललेल्या परिस्थितीविषयी त्यांनी देशवासियांना अवगत केलं कोरोना के, के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर ये कोरोना की दूसरी बे तूफान बनकर आ गई जो पीड़ा आपने सही है जो पीड़ा आप सह रहे हैं उसका मुझे पूरा एहसास है जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूं चुनौती बड़ी है लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प अपने हौसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है साथियों हमारे शास्त्रों में कहा गया है त्याज्यम न धैर्यम विदुर काले अर्थात कठिन से कठिन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें सही दिशा में प्रयास करे विजय हासिल कर सकते हैं। इसी मंत्र को सामने रखकर आज देश दिन काम कर रहा है देशातली करोना स्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये याकरता सरकारनं विविध उपाययोजना राबवल्या या उपाययोजनांमध्ये रा उपाय कोरोना योद्धे आणि आरोग्य क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांनी मोठं योगदान दिलं त्यांच्या या निरंतर योगदानाबद्दल प्रधानमंत्र्यांनी त्यांच्या प्रति कृतज्ञता ही व्यक्त के लिए है मैं देश के सभी डॉक्टरों मेडिकल स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ हमारे सभी सफाई कर्मचारी भाई बहन हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हमारे सुरक्षा बल पुलिसकर्मी सभी की सराहना करूंगा आपने कोरोना की पहली वेव में भी अपना जीवन दांव पर लगाकर लोगों को बचाया था आज आप फिर इस संकट में अपने परिवार अपने सुख अपनी चिंता छोडकर का जीवन बचाने में दिन जुटे हुए बुटे श्रोते हो देशात दररोज अडीच लाखाहून अधिक कोरोना बाधित आढळत असून परिस्थिती गंभीर आहे कोरोनाच्या सद्यस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून विविध पातळ्यांवर विविध उपाययोजना करत आहे याविषयी प्रधानमंत्री म्हणाले बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं जो कदम उठाए गए हैं वो स्थिति को तेजी से सुधारेंगे इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है केंद्र सरकार राज्य सरकारें प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो एक लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो ऑक्सीजन रेल हो हर प्रयास किया जा रहा है साथियों इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है आज जनवरी फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा इसे अभी और तेज किया जा रहा हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाइयां बनाता है इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है कुछ शहरों में ज्यादा डिमांड को देखते हुए विशेष और विशाल कोविड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं कोरोना के इलाज की बहुत ही अच्छी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है वो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचा रहे हैं आज हमारे पास बड़ी मात्रा में पीपीई किट्स बड़ा नेटवर्क है और हम लोग टेस्टिंग की सुविधा को निरंतर बढ़ा रहे हैं देशात जगातली सर्वात मोठी कोविड एकोणीस प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू असून देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला लस मिळावी याकरता सरकार कटिबद्ध आहे देशात एकमेपासून आता अठरा वर्षावरच्या सर्वांचं लसीकरण होणार असल्याचं प्रधानमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केलं सामर्थ्य संसाधन आणि सेवाभाव ही भारतीय लस निर्माण क्षेत्राची बलस्थानं आहेत याच आधारावर लस उत्पादक कंपन्यांनी कमी कालावधीत उत्तम कामगिरी केली त्यामुळेच देशात जगातली सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम यशस्वीपणे राबवली जात आहे असं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं कोरोना विरुद्धच्या लढाईत खाजगी क्षेत्रातल्या आरोग्य सेवेनं महत्वाची भूमिका बजावली असंही ते म्हणाले देश शुरू आते लसीकरण मुहिमे विषय प्रधानमंत्री दिली वैक्सीन्स की अप्रूवल्स और रेगुलेटरी प्रोसेस को फास्ट ट्रैक पर रखने के साथ ही सभी साइंटिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है यह एक टीम एफर्ट है जिसके कारण हमारा भारत दो मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर पाया टीकाकरण के पहले चरण से ही गति के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों तक जरूरतमंद लोगों तक वैक्सीन पहुंचे दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़ फिर 11 करोड़ और अब बारह करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं आज कोरोना से इस लड़ाई में हमें हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है श्रोते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी आपल्या भाषण देशव्यापी टाड़ेबंदी की शक्यता फेटाड़ राजना अपवादात्मक स्थितीतच टाळेबंदी लागू करण्याचा सल्ला दिला संपूर्ण देश कोरोनाशी पूर्ण ताकदीने लढत आहे मात्र राज्यांनी टाळेबंदी टाळण्याचा प्रयत्न करावा केवळ अखेरचा पर्याय म्हणून टाळेबंदीकडे पहावं असं प्रधानमंत्री म्हणाले करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना कसा करायचा आणि लॉकडाऊन कसा टाळायचा याविषयी प्रधानमंत्र्यांनी काय मार्गदर्शन केलं ते ऐकूया देशने कोरोना के खिलाफ तक बहुत से और बहुत धैर्य से लड़ाई लड़ी है इसका श्रेय आप सभी को सभी देशवासियों को ही जाता है अनुशासन और धैर्य के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं मुझे विश्वास है जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तूफान को भी परास्त कर पाएंगे और देशवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आए और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं समाज के पुरुषार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में मोहल्ले में अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं मेरे बाल मित्र घर में ऐसा माहौल बनाए कि बिना काम बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं। इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहौल कम हो सके लोग अफवाह और भ्रम में न आए साथियों आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के बचने के जो भी उपाय है कृपया करके उनका पालन शत प्रतिशत करिए दवाई भी कड़ाई भी इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है ये मंत्र जरूरी है वैक्सीन के बाद भी जरूरी है कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए अनुशासन भी उसकी भी उतनी ही जरूरत है जब जरूरी हो तभी बाहर निकले कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें मेरा आप सभी से यही आग्रह श्रोते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संवादातून देशवासियांना देशातल्या सध्या करोना स्थितीची जाणीव करून दिली परिस्थिती गंभीर आहे मात्र जनतेना भीती बाळगू नये अफवांवर विश्वास ठेवू नये नागरिकांनी दवाई भी घडाय भी या मंत्राचं पालन करावं असं ते म्हणाले देशवासियांनी करोना प्रतिबंधक सर्व उपायांचं काटकोरपणे पालन करावं नागरिकांनी घरात असतानाच घराबाहेर पडावं असं आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलं कोविड संबंधी अनुशासनाचं पालन करत जनतेच्या सहकार्यानं देश याही संकटातून बाहेर पडेल असा विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी जनतेला दिलाय <ण्याग> श्रोतेहो याबरोबरच आजचा करोना वृत्तविशेष कार्यक्रम संपला हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला सादरकर्त्या सरस्वती कुळेकर निर्मिती सहाय्य विवेक वानखडे लेखन आणि समन्वय अपूर्वा बेडेकर आणि विजया सहजराव निवेदन नरेंद्र बेडेकर